दोस्तों, मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कुछ आकारों के पृष्ठफल के बारे में सीखा। आज हम उन्हीं आकारों के आयतन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर तीन पात्र यानी कंटेनर रखे हुए हैं। पहले पात्र की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के पात्र को घन कहते हैं। यदि हम इस पात्र में पानी भरें तो सबसे पहले पानी इसके तल पर फैलेगा, जो कि वर्गीय है। मतलब पानी जितना क्षेत्रफल कवर करेगा वह होगा 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। और अगर हमने इस पात्र को पूरी तरह पानी से भर दिया तो इस पात्र में पानी की कुल मात्रा होगी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, जो होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम इसमें और पानी भरें तो वह पात्र के बाहर गिरेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस पात्र की अधिकतम क्षमता 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। दोस्तों, किसी भी थ्री डायमेंशनल पात्र अथवा आकार की अधिकतम क्षमता को उस आकार का आयतन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसी घन का आयतन प्राप्त करने का फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होगा। यदि किसी घन की भुजाएं एल सेंटीमीटर है तो उसके आधार का क्षेत्रफल होगा एल स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, और ऊंचाई भी एल है तो हम आधार के क्षेत्रफल में एल से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार घन का आयतन का सूत्र होगा एल क्यूब यूनिट क्यूब। अब हम दूसरे पात्र में पानी भरते हैं जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि इसकी तुलना पहले कंटेनर यानी घन से करें तो यहां पर तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। ऐसे तीन आयामी आकार में यदि एक भी भुजा की लंबाई अलग होती है तो उसे घनाभ कहते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस पात्र का आयतन कितना होगा? 10 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर यानी 3000 सेंटीमीटर क्यूब। और घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? माना लेंथ है L यूनिट, ब्रेथ यानी चौड़ाई है B यूनिट और हाइट है H यूनिट। तो आधार का क्षेत्रफल होगा L इंटू बी, और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो घनाभ का वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू H यूनिट क्यूब। इससे यह पता चलता है कि इस प्रकार समान आधार वाले वस्तुओं के आधार के क्षेत्रफल से हाइट मल्टीप्लाई करने पर उस वस्तु का आयतन प्राप्त होता है। और अब हमारे पास इसी प्रकार का एक और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंब वृत्ताकार बेलन। इसका आधार सर्कुलर है और किसी भी आर त्रिज्या वाले सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर ऊंचाई एच यूनिट है तो लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब। तो इस प्रकार हमने घन, घनाभ और लंब वृत्ताकार बेलन के आयतन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि हमें इस आकार वाले वस्तु का आयतन निकालना हो जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है पर ऊंचाइयां दो हैं, एक है 4 सेंटीमीटर और दूसरी है 6 सेंटीमीटर, तो ऐसे आकार का आयतन कैसे निकालेंगे? हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इसे दो भाग में विभाजित कर देते हैं और दोनों भाग का आयतन अलग अलग निकाल कर फिर उसे जोड़ देंगे। 4 सेंटीमीटर की हाइट से विभाजित करने पर हमें दो आकार मिले। सबसे पहले हम निचले आकार का आयतन निकालेंगे जो एक घनाभ है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा 320 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम ऊपर वाले आकार का आयतन निकालेंगे। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यह एक घनाभ के आधे हिस्से जैसा दिखाई देता है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और बची हुई ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो चलिए इस घनाभ का आयतन निकालकर उसे हाफ में डिवाइड करके ऊपरी आकार का आयतन निकालते हैं जो है 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर
गुणे 2 सेंटीमीटर जो होगा 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे 2 से भाग देने पर मिलेगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार वास्तविक आकार का आयतन होगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों, इस लेक्चर का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हैं। अगला लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।